पोमोडोरो टेक्निक क्या है, जरा आप उसको समझो। पोमोडोरो टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको सिर्फ इतना करना है। क्या करना है? पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली एक तरह का साइकिल है। अब क्या करना है, आप सुबह जब पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, या जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हो, पहले तो मोबाइल वगैरह को साइड में रख दो, सोशल मीडिया को साइड में रख दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम साइड में रख दो। अब क्या करना है, सिर्फ वो किताब जो आप पढ़ रहे हो वो आपके पास होनी चाहिए, उसका मटेरियल होना चाहिए और कुछ नहीं उस टेबल पे। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल पोमोडोरो टेक्निक में क्या है, 30 मिनट का एक साइकिल काउंट करना है, जिसमें 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है। उसके बाद जब ये साइकिल, कितना साइकिल जरा चेक करना, 1, 2, 3, 4 साइकिल कंप्लीट हो गए, मतलब 2 घंटे टोटल, 2 घंटे 25 मिनट, इसमें 5 मिनट का आपने ब्रेक दिया टोटल, समझ में आ गया? तो 3 बार आपने ब्रेक दिया, 25 मिनट आपने पढ़ाई की, समझ में आया? अब जब आप 25 मिनट करके 4 साइकिल पूरे हो जाए, ये पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, तो अब आप क्या करो, सीधे 30 मिनट का ब्रेक ले लो। इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। इस लॉन्ग ब्रेक में आप खाना खाओ, गाने सुन लो, किसी से बात कर लो, अपनी फैमिली से बात कर लो, सो दैट इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है? सो ये है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 मिनट, पर वो जो 25 मिनट आपको पढ़ना है ना, वो 25 मिनट आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना है उसमें, फिर ऐसा ना हो कि आपका ख्याल तो कहीं और ही चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सो 25 मिनट आपको फोकस ऑन योर स्टडी, और फिर 5 मिनट आप खूब मस्ती करो, जो करना आपको करो, लेकिन 5 मिनट बाद वापस आओ, 25 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाओ। ये आपको इंप्रूव करेगा, कैसे? एक तो टाइम को मैनेज करने में, जब आप ये टेक्निक को फॉलो करता है तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि किस तरह से 25 मिनट में थांबा करना है अपने माइंड को, 5 मिनट ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, जिसमें एक ही चीज पर फोकस करनी है, जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर और किसी चीज पर नहीं। जैसे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो और जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, कि माइंड को आप क्या कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में इंटरवल में आराम दे रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है यार। आप माइंड ह्यूमन बींग हो, आप थोड़ी देर में काम करते हैं, आपको पता थक जाते हैं, बेटर है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको एक छोटा सा पावर नैप दे रहे हो 5-5 मिनट का, तो रिलैक्स फील करके आपको ज्यादा प्रोडक्टिव इनपुट आउटपुट देगा। वीडियो कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।